हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे होम रेमेडीज जो आपके प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज हुआ है उसको आप घर पे भी ठीक कर सकते हैं। हमारे घर पे ऐसे कुछ कुछ रेमेडीज और ऐसे कुछ कुछ आइटम्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग यूज करके अपने घर पे ही प्रोस्टेट से राहत पा सकते हैं, एनलार्ज प्रोस्टेट होने से बच सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक में। सबसे पहला है वाटरमेलन और पम्पकिन सीड। वाटरमेलन इजली अवेलेबल हो जाता है मार्केट में, खरबूजा और जो पम्पकिन होता है वो आपके इजली अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट में, जिसको आप यूज करके खा सकते हैं और प्रोस्टेट को ठीक कर सकते हैं। तो जिसमें सबसे पहला बताती हूँ पम्पकिन सीड, मखना बोलते हैं उसको, तो मखने के बीज को आप यूज कर सकते हैं एनलार्ज प्रोस्टेट के केस में। और वाटरमेलन, वाटरमेलन का आप टी बना के पी सकते हैं जिससे आपको राहत मिलेगी, क्योंकि पम्पकिन का जो सीड होता है, बीज होता है पम्पकिन का, वो आपके यूरिनरी प्रॉब्लम्स को जल्दी से जल्दी ठीक करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि प्रोस्टेट एनलार्ज होने की वजह से यूरिनरी सिम्टम्स ज्यादा दिखते हैं, तो वो आपके प्रोस्टेट के एनलार्ज होने के बाद जो सिम्टम्स है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। और यूरिनरी जितनी भी दिक्कत आ रही है, जैसे कि यूटीआई हो गया, यूरिन पास करने में दिक्कत हो, सबको ठीक करेगा। तो आप पम्पकिन सीड ले करके उसको क्रश करके आप उसको बॉईल करके वाटर में उसको पी सकते हैं, आइदर वस आप उसको क्रश करके खा सकते हैं। दूसरा, वाटरमेलन का टी बना करके, 1 कप ऑफ वाटर को बॉईल करके वाटरमेलन का टी टाइप का चाय बना करके आप उसको पी सकते हैं, जिससे आपको जल्दी से जल्दी राहत मिलेगा। दूसरा है कॉर्न सिल्क। जो बुट्ठा होता है, बुट्ठे बोलते हैं, तो बुट्ठे के अंदर जो छोटा छोटा सिल्क जैसे रहता है, बुट्ठे के जो बाल प्रेजेंट होते हैं सिल्क टाइप का, उसको आप खा सकते हैं। उसको खाने के बाद आपके प्रोस्टेट का एनलार्ज जो है वो रिड्यूस हो सकता है। तो बुट्ठे जो बोलते हैं कॉर्न होता है, उसके अंदर का जो सिल्क पार्ट है उसको आप ले करके आप बॉइल करके वाटर उसमें बॉइल कर लीजिए, फिर उस वाटर को आप को टी बना करके आप उसको पीना है। जैसे जैसे आप पियेंगे, एटलीस्ट 3 हफ्ता आपको उसको पीना है, तो आपको अपने आप प्रोस्टेट एनलार्ज हुआ वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा है टोमेटोस। टोमेटोस मतलब टमाटर, जो मार्केट में इजली अवेलेबल हो जाता है, बस खाने का तरीका आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम उसको कुक करके खाएंगे तो उसमें ज़्यादा फायदा नहीं है प्रोस्टेट के केस में। लेकिन अगर हम उसको कच्चे खा रहे हैं या तो उसको सलाद के फॉर्म में खा रहे हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि टमाटर लाइकोपीन नाम के एंजाइम से भरा हुआ रहता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, जो कि आपके प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर जो फॉर्म हो रहा है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है, मतलब आपके प्रोस्टेट को स्वस्थ रखता है और साथ में उसमें कोई भी सेल ग्रोथ होने नहीं देगा। नेक्स्ट है एप्पल साइडर वेनेगर। एप्पल साइडर वेनेगर आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। एप्पल का सिरका, सेब का सिरका बोलते हैं जिसे, तो आप उसको ले सकते हैं। एप्पल साइडर वेनेगर लेने से जो आपके प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़े हुए उसकी जो कॉम्प्लिकेशन होती है उससे राहत मिलेगी। जैसे कि कॉम्प्लिकेशन मतलब यूटीआई हो गया, यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो गया, या तो आपको यूरिन पास करने में दिक्कत हो रही है, तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन, ये सारे परेशानी से ये राहत देता है। तो एप्पल साइडर वेनेगर आपको अर्ली मॉर्निंग खाली पेट में 1 कप ऑफ एप्पल साइडर वेनेगर आपको लेना है, तो ऐसे करने से आपके प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके डाइट को चेंज करना। आप अपने डाइट में सोया बेस्ड फूड ज्यादा खाएंगे। सोया बेस्ड फूड में फाइटोइस्ट्रोजन नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो कि आपके प्रोस्टेट ग्लैंड जो एनलार्ज हो गया है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है, और जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसको डिक्रीज करता है, क्योंकि आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से बढ़ा हुआ रहता है। और साथ में इसका मेन रोल ये है कि आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है उसको जो सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स है वो एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है, तो उसके एक्स्ट्रा ग्रोथ को रिड्यूस करता है फाइटोस्ट्रोजन। नेक्स्ट है कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज आपके ब्लैडर को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, आपके जो ब्लैडर के जो मसल्स है उसको अच्छे से सपोर्ट करने के लिए होता है। कीगल एक्सरसाइज बहुत ही हेल्पफुल है, आपके ब्लैडर कंट्रोल एबिलिटी को भी इंक्रीज करता है, जिससे आप यूरिनरी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उससे राहत पा सकते हैं इन द केस ऑफ प्रोस्टेट। नेक्स्ट है सिज बाथ। सिज बाथ भी ले सकते हैं आप। सिज बाद में आपको एक टब लेना है, उस टब में हल्का गुनगुना पानी करना है और साथ में उसके 10 to 15 ml ऑफ बीटाडीन सॉल्यूशन डाल के आप अपने
एनल एरिया को सेकना है, सिकाई करना है, जिससे आपकी एनलार जो है प्रोस्टेट और उससे जो भी लक्षण दिख रहे हैं उस सब में राहत मिलेगी। नेक्स्ट है योगासन। योगासन में आप बहुत सारे प्राणायाम और योगासन है जिसमें से कुछ स्पेशली रिलेटेड आपके प्रोस्टेट से रिलेटेड योगासन है उसको आपको करना है, जैसे वीरासन हो गया और बहुत सारे ऐसे आसन है जो आपके योगा से रिलेटेड है प्रोस्टेट ग्लैंड को रिड्यूस करने के लिए, आपको उसको कंटिन्यू रखना है। नेक्स्ट है अपने हेल्थ को मेंटेन करेंगे। हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कुछ दो तीन पॉइंट्स है, जैसे कि रेड मीट नहीं खाना है, एल्कोहल वगैरह अवॉइड करना है, दिन में कम से कम 10 ग्लास वाटर आपको पीना है। इस तरीके से आप अपने हेल्थ को मेंटेन करेंगे और आप वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज्यादा मात्रा में खाना है। कुछ प्रिवेंटिव पॉइंट्स है जैसे कि आप प्रिवेंट कर सकते हो अपने आप को, जिसमें सबसे पहला है स्मोकिंग अवॉइड करना है, आपको स्मोकिंग नहीं करना है। दूसरा है आप अपने स्ट्रेस लेवल को डिक्रीज करेंगे, ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में नहीं रहना है। तीसरा, शाम के समय पानी ज़्यादा नहीं पीना है, ज़्यादा आप पानी पियेंगे तो नाइट टाइम में आपको यूरिन की दिक्कत होगी, बार बार यूरिन होगा। नेक्स्ट है आपको दिन भर में 3 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं पीना है, 3 लीटर पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपको अवॉइड करना है। नेक्स्ट है जब भी आप यूरिन पास आउट करने जा रहे हैं तो आप अपने ब्लैडर को, अपने यूरिन जितना भी लग रहा है आप उसको पूरा पास आउट करिए, बचा के नहीं रखिए, अदरवाइज कुछ और लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। आज हमने देखा कि कुछ ऐसे होम रेमेडीज जो प्रोस्टेट ग्लैंड को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।